नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी आई क्यू जी के पर। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आज आरआरबी जेई का पेपर था, यानी कि 22 मई 2029 को आरआरबी जेई का पेपर था। सेकंड शिफ्ट का भी पेपर हुआ, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी हुआ। फ्रेंड्स, आज दोनों पेपर में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, 100% क्वेश्चन मेरी वीडियो से पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको प्रूफ देने वाला हूँ इस बात का कि जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन मेरी वीडियो से आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो मैं डाल चुका हूँ, ये सेकंड शिफ्ट की वीडियो है, ठीक है। अब आपको मैं हर क्वेश्चन का प्रूफ दूंगा कि कितने क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं मेरी वीडियो से आए हुए हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज द चेयरमैन ऑफ इसरो। ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन में, सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसरो के चेयरमैन कौन है, ठीक है। फ्रेंड्स, इसका आंसर है श्री के सिवन। और ये देखो, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया आपके लिए, ये मैंने 1 मई को भी वीडियो डाली थी, वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है। उसमें ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, हिंदी मीडियम में भी करवाया, इंग्लिश मीडियम में भी करवाया, और मैंने आपको इसरो की डेफिनेशन भी बताई थी, सब कुछ बताया था आपको। और साथ में देखो, ये क्वेश्चन एज इट इज मेरी वीडियो से पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख के आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, ठीक है। आप सभी को पता है फ्रेंड्स, हम कोई भी वीडियो डालते हैं यूट्यूब पर, पहले हमें थंबनेल बनाना पड़ता है, ठीक है, वीडियो का थंबनेल बनाना पड़ता है। ये मेरी वीडियो का थंबनेल था, इस थंबनेल से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, ये मैंने थंबनेल बनाया वीडियो का, इसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था लोकपाल पीसी घोष कौन है, तो पहले लोकपाल थे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। ये देखो, अब देखो फ्रेंड्स, हु इज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, तो फ्रेंड्स का आंसर है पीसी घोष। जो पीसी घोष है ये पहले लोकपाल हैं। और ये देखो, ये वीडियो, ये क्वेश्चन मेरी थंबनेल से पूछा गया हुआ है, ये देखो, ठीक है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आज सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। फ्रेंड्स, आप एग्जाम का लेवल देख लो कि लेवल कहां जा रहा है। मैं आपको बोलता हूं ना कि सारे क्वेश्चन मेरी वीडियो से पूछे जाएंगे, फ्रेंड्स ये प्रूफ है आपके सामने। फ्रेंड्स, ये प्रूफ है, देखो आप, सारे क्वेश्चन मेरी वीडियो से पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज द चीफ नेवल ऑफिसर, ठीक है, नौसेना के अध्यक्ष कौन है। फ्रेंड्स, ये देखो, अगला नौसेना प्रमुख कौन होंगे, करमवीर सिंह इसका आंसर है, ठीक है, करमवीर सिंह इसका आंसर है। ये क्वेश्चन भी मेरी वीडियो से पूछा गया है। मतलब वीडियो छोड़ो यार, वीडियो का जो फर्स्ट, जो मतलब थंबनेल होता है ना, वीडियो की जो फोटो होती है, जो आपको शो होती है, उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, ये तीनों। अगला क्वेश्चन देखो आप, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की जो इंटेंसिटी होती है, ये ध्वनि की तीव्रता होती है, किसमें मापी जाती है, इसका आंसर होता है डेसिबल। देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी मेरी वीडियो से पूछा गया है, स्क्रीनशॉट है ये, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव मेजर इन विच यूनिट, आंसर है डेसिबल। ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया हुआ है सेकंड शिफ्ट में। फ्रेंड्स, आप ये देख लो, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और सारे के सारे अच्छे लेवल का एग्जाम है, सारे के सारे क्वेश्चन मेरी वीडियो से आ रहे हैं। फ्रेंड्स, आप देख लो, आप 100% पेपर आया हुआ, फ्रेंड्स 100% पेपर, प्रूफ दे रहा हूं मैं आपको। ये देखो, अगला क्वेश्चन देखो, विच आर्टिकल डील्स विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका आंसर होता है आर्टिकल 324। क्वेश्चन था किस अनुच्छेद में चुनाव आयुक्त के बारे में बताया गया है, इसका आंसर होता है आर्टिकल अनुच्छेद 324, यानी आर्टिकल 324। अब ये देखो, ये स्क्रीनशॉट है जो मैंने आपको करवाया है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इन इंडिया, आर्टिकल 324। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। मतलब फ्रेंड्स, आप ये देख लो, सारे क्वेश्चन मेरी वीडियो से आए हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, आंसर है सुनील अरोड़ा। और ये क्वेश्चन भी मेरी वीडियो से पूछा गया, देखो ये स्क्रीनशॉट है, हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया 2019, आंसर है सुनील अरोड़ा। ये क्वेश्चन भी मेरी वीडियो से था। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, ये भी मेरी वीडियो से आया हुआ है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो टेन्योर होता है वो कितने साल का होता है, तो फ्रेंड्स का आंसर होता है 6 साल या वो 65 साल की या 65 ईयर्स, जो उनका पहले कंप्लीट हो जाए यही टेन्योर होता है। और ये क्वेश्चन भी मेरी वीडियो से पूछा गया है, और फ्रेंड्स यही क्वेश्चन आरआरबी जेई के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आप ये देख लो, ये क्वेश्चन भी मेरी वीडियो से था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, इसका आंसर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये क्वेश्चन भी मेरी वीडियो से पूछा गया था, ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट आरआरबी जेई में पूछा गया है। फ्रेंड्स, ये देख लो, ये क्वेश्चन भी मेरी वीडियो से था कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड, या बोलो पीयूष ग्रंथि। ये क्वेश्चन मैंने हिंदी मीडियम में भी 2 से 3 बार करवा चुका हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन भी मेरी वीडियो से था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मेरी वीडियो से ही था। फ्रेंड्स, देख लो आप, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है। फ्रेंड्स, देखो, क्वेश्चन मैंने क्या करवाया था आपको एग्जाम में, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, ठीक है, इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। और साथ में मैंने आपको एक एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दी थी यहां पे, ये देखो ध्यान से देखो फ्रेंड्स, ये पी क्या है, पावर है, ठीक है, मैंने पूरा समझाया वहां पे। पी क्या होता है, 1/f होता है, क्या होता है, पी इज इक्वल टू 1/f, यानी कि जो पावर होता है वो 1/f होता है। और अगर हम एफ को इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या आएगा, 1/p आएगा, मतलब कि इसका रिलेशन क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये, मतलब जो फोकल लेंथ होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पावर के, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ था, ध्यान से देना, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड। फ्रेंड्स, आपको याद होगा, मैं आपको गोल्ड का एटॉमिक नंबर बताया था कि AU गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है, और इसका सॉरी गोल्ड का जो सिंबल होता है वो AU होता है, और इसका मैंने आपको एटॉमिक नंबर भी बताया था, इसका एटॉमिक नंबर 79 होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको हर वीडियो में कोई भी एटॉमिक नंबर क्वेश्चन होता है मैं आपको हमेशा बताता हूं फ्रेंड्स, कि 1 नंबर पर हाइड्रोजन आता है, फिर हीलियम आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, मतलब फ्रेंड्स मैं आपको सब कुछ बताता हूं यार। और देखो, एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, देखो, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लड का पीएच कितना होता है, तो फ्रेंड्स आंसर होता है 7.5।
4 वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे लिखा है ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको पीएच की डेफिनेशन बताई थी लेकिन क्वेश्चन में नहीं आया एग्जाम में। फिर फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, इसका आंसर था लीवर ठीक है। लीवर जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये स्क्रीनशॉट मैंने आपके लिए रखा है यहाँ पे ठीक है। और फ्रेंड्स अब ये देखो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था ना ये दोनों क्वेश्चन साथ साथ आए थे एग्जाम में ठीक है, और ये मैंने अपनी वीडियो में भी साथ साथ ही करवाए थे कि केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा क्या होता है ठीक है। तो सर सोडियम बाई कार्बोनेट होता है और मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखवाया था आपको ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 ठीक है, मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखवाया था, मतलब मैंने स्क्रीनशॉट थोड़ा पहले ले लिया ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी एग्जाम आया था ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है, फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे देखो कैल्शियम लिखा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी लिखवाया है, मतलब फ्रेंड्स एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं साथ में फ्रेंड्स देखो साथ साथ में रिपीट हो रहे हैं यार। और ऊपर जो मैंने आपको करवाया था ना क्वेश्चन वो वाला जो थंबनेल से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स वो भी साथ साथ आए हुए हैं एग्जाम में फ्रेंड्स, इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हो मुझे खुद नहीं पता यार ठीक है। ये क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स सुबह मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट में वाले में क्वेश्चन आया था कि नेम द ब्लड वेसल विच कनेक्ट्स द आर्टरीज टू वेन्स, आर्टरीज को वेन से कौन कनेक्ट करता है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको वहाँ पे लिखा है कैपिलरीज। आप मेरी फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो देख फर्स्ट शिफ्ट वाली वीडियो देखना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया कैपिलरीज होते हैं ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था डेविस कप रिलेटेड विद विच स्पोर्ट्स, डेविस कप किस स्पोर्ट्स रिलेटेड है, मैंने आपको वहाँ पर ऊपर बताया था लॉन टेनिस से रिलेटेड ये फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके फ्रेंड्स ये देखो ये वाला क्वेश्चन है ना बी साइंटिस्ट गिव्स द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था लेकिन फ्रेंड्स मुझे क्वेश्चन अभी मिला नहीं ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी मैंने वीडियो डालनी थी ये। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर था वो था चार्ल्स डार्विन ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 बार करवा चुका हूँ फ्रेंड्स, आप में देख लेना मेरी वीडियो मिल जाएगा आपको ये ठीक है। उसके फ्रेंड्स ये अगला क्वेश्चन करते हैं इन पीरियोडिक टेबल हाउ मेनी मेटलॉइड्स आर प्रेजेंट, फ्रेंड्स अगर आपको याद होगा अगर आप मेरी वीडियो देखते हो मैंने आपको बताया था कि एक मेटल होता है एक दूसरा नॉन मेटल होता है तीसरा मेटलॉइड्स होता है ठीक है। मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल की प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करे ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूँ और हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 मेटलॉइड्स हैं ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोमीटर, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यार मैं आपको 4 से 5 बार करवा चुका हूँ ठीक है, पर मुझे अभी मिला नहीं क्योंकि मैं जल्दी में मुझे वीडियो डालनी थी, क्वेश्चन भी मेरी वीडियो से आया हुआ है कि हाइड्रोमीटर का फंक्शन क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होता है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है। फ्रेंड्स अगर आपको याद होगा कि मैंने 3-4 दिन पहले वीडियो डाली है फिजिक्स की ठीक है, उससे मैंने आपको बताया था कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है ठीक है, यहाँ पे बताता हूँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किस में मेजर करते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसे हम परसेंटेज में मेजर करते हैं, आपको आपको याद आ रहा होगा तो ठीक है। और मैंने पूरा फॉर्मूला लिखा था, मैंने आपको पूरा समझाया था ठीक है, ये क्वेश्चन भी मेरी वीडियो से था। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कर लेते हैं विच लॉ ऑफ न्यूटन आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ गैलीलियो, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी मेरी वीडियो से था, मैं आपको याद करवाता हूँ कि मैंने क्वेश्चन कैसे करवाया था। फ्रेंड्स अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो न्यूटन था उसने 3 लॉ दिए थे ठीक है, न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, न्यूटन ने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे, मैंने आपको बताया था कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है, क्या बताया था मैंने आपको, फर्स्ट लॉ जो होता है उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं और लॉ ऑफ गैलीलियो भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी मेरी वीडियो से था, डिक्टो रिपीट हुए हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन ये ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था जब मैंने आपको सैटेलाइट समझाया था कि व्हाट इज द वेलोसिटी ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ठीक है, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर था 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ठीक है, ये क्वेश्चन भी मेरी वीडियो से था। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 आपको याद करवाता हूँ, मैंने आपको आपको करवाया था ये कि चीन की सबसे बड़ी नदी कौन सी है ठीक है, मैंने आपको बताया था कि चीन की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, मैंने आपको बताया था कि वो यांग टीसी नदी होती है, या कोई आपको याद आ रहा होगा। और मैंने आपको बताया था कि जो चीन की सबसे बड़ी नदी है ये पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ठीक है, मैं आपको याद आ रहा होगा। और साथ में मैंने आपको ये बताया था कि जो नील है ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और यांग टीसी नदी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और मैंने आपको बताया था कि इसे हम येलो रिवर के नाम से भी जानते हैं और इसे हम चीन का शोक भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर यही था कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो फ्रेंड्स यांग टीसी नदी है, क्योंकि चीन जो है वो भी एशिया में ही है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था, एज इट इज रिपीट हुआ है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं व्हाट इज द रेंज ऑफ प्लैटिनम थर्मोमीटर, फ्रेंड्स अगर आपको याद होगा मैंने थर्मोमीटर का पूरा समझाया था आपको ठीक है, और पूरे इसमें आपको मैंने प्लैटिनम थर्मोमीटर के बारे में बताया था, अल्कोहलिक थर्मोमीटर के बारे में भी बताया था, सब कुछ बताया था फ्रेंड्स मैंने आपको। और इसकी जो रेंज होती है फ्रेंड्स -200 से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस तक होती है ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। क्वेश्चन नंबर 18 तो फ्रेंड्स मैंने आपको पूरे 10 मिनट लगे समझाया था कि व्हाट इज द पीएच ऑफ टोमेटो, फ्रेंड्स मैंने आपको पूरा बताया था कि पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या बोलो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने मिल्क का बताया था आपको, उसके बाद मैंने आपको ब्लड का बताया था, टोमेटो का बताया था, सब कुछ का बताया था फ्रेंड्स, वाटर का बताया था कि वाटर न्यूट्रल होता है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी मेरी वीडियो से आया हुआ था ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, फ्रेंड्स जब आपको मैं करंट अफेयर करवाता हूँ वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि वेस्ट बंगाल के बारे में, वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो ममता बनर्जी हैं वो इसकी मतलब चीफ मिनिस्टर हैं ठीक है, ये भी मैंने आपको बता रखा है ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था करंट अफेयर में कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी मेरी वीडियो से था। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर लिख देता हूँ, जो जयराम ठाकुर है ठीक है, जयराम
ठाकुर हैं वो चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। उसके फ्रेंड्स सबरीमाला टेम्पल इज लोकेटेड एट, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी मेरी वीडियो से था, सबरीमाला टेम्पल है वो केरला से है, ठीक है, केरला में है सबरीमाला टेम्पल, ये क्वेश्चन भी मेरी वीडियो से था। उसके बाद फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था जब मैंने आपको बताया था कि फ्रेंड जो लेमन होता है इसमें सिट्रिक एसिड होता है, और मैंने आपको बताया था कि जो टोमेटो होता है फ्रेंड इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी मेरी वीडियो से आया था। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स मेरी वीडियो से ही था कि जो सिंदूर होता है फ्रेंड्स सिंदूर का जो मतलब केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ था, और ये क्वेश्चन मैंने आपको फ्रेंड्स एक नहीं दो से तीन बार करवा चुका हूँ। तो फ्रेंड्स इसका सिंबल, इसका जो मतलब फॉर्मूला होता है वो होता है Pb3O4, फ्रेंड्स ये जो Pb होता है ना ये लेड होता है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, फ्रेंड्स जो केरला जो मतलब राज्य है भारत का इसके जो चीफ मिनिस्टर है मतलब इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है इसके आंसर, इसके आंसर है यार याद नहीं आ रहा, तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है पी विजयन, ठीक है, पी विजयन जिसके चीफ मिनिस्टर है मतलब मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स, हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, फ्रेंड्स आप सभी को बताया कि जो दिल्ली में जो एजुकेशन पे काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है, और आपको बताया कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, केजरीवाल हैं, ठीक है, जिनका सिंबल जो है वो झाड़ू है, ठीक है, और यहाँ के जो फ्रेंड्स चीफ मतलब एजुकेशन मिनिस्टर है मतलब शिक्षा मंत्री हैं वो सिसोदिया हैं, ठीक है, सिसोदिया हैं, अब उनका पूरा नाम देख लेना क्या है, सिसोदिया, फ्रेंड्स मनीष सिसोदिया इनका पूरा नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पेरू, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में मैंने आपको दो बार करवा चुका हूँ, और मैंने आपको पेरू का ना जो इसका मतलब जो इसकी करेंसी है वो भी मैंने आपको बताया था, और इसकी जो फ्रेंड्स क्या नाम है इसका जो इसका मतलब कैपिटल वो भी बताया था, उसकी जो कैपिटल फ्रेंड्स वो लीमा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं, ये भी मैंने आपको बहुत चीज समझाया था, डल लेक कहाँ पर है, फ्रेंड डल लेक आपको पता है जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर में डल लेक है और साथ में कश्मीर में है फ्रेंड्स ये, ठीक है, जम्मू कश्मीर के कश्मीर में है। और फ्रेंड्स आपको एक क्वेश्चन आया हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में कि वुलर लेक कहाँ पे है, ठीक है, फ्रेंड्स अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया की सबसे फ्रेश वाटर झील है वो कौन सी है, तो आंसर होगा वुलर लेक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा जो मैंने 1000 GS की जो वीडियो सीरीज चलाई हुई है उसके लास्ट में ना मैं 4-5 क्वेश्चन करवाता हूँ बुक वाले, ठीक है, तो यंग इंडियन बुक जो है किसने लिखा है, तो फ्रेंड्स आंसर है महात्मा गांधी ने लिखा है, और ये क्वेश्चन भी मेरी वीडियो से पूछा गया हुआ था। फ्रेंड्स आप ये देख लो कि ये एक ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम था और एक अच्छे लेवल का एग्जाम माना जाता है, ठीक है, और इसमें से आप फ्रेंड्स ये देख लो कि 100% क्वेश्चंस ना मेरी वीडियो से रिपीट हो रहे हैं, और फ्रेंड्स मैं आपको हर वीडियो जब करवाता हूँ ना मैं आपको ये बोलता हूँ ये बात कि फ्रेंड्स कि सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन मेरी वीडियो से ही पूछे जाएंगे, फ्रेंड्स उस बात की मतलब था यार, तभी मैं आपको बोलता था क्योंकि मुझे पता है कि फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आपके लेके आता हूँ ना एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आता हूँ जहाँ तक टीचर ना पेपर सेट करते टाइम यार सो सकता है ना, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ हर एग्जाम में हर वीडियो में अपने, ठीक है। और फ्रेंड्स आप ये देख लो आज उसी का रिजल्ट है कि यार दो शिफ्ट हुए हैं, दोनों शिफ्ट में सारे क्वेश्चन मेरी वीडियो से आए हुए हैं फ्रेंड्स, 90% छोड़ो यार आप 100% क्वेश्चन मेरी वीडियो से पूछे गए हैं। अगर आपने फ्रेंड्स मेरी पूरी वीडियो से देखी होती है ना तो फ्रेंड्स मैं आपको इतनी श्योरिटी देता हूं कि 100% पेपर आप अटेम्प्ट करके आते हैं अपने एग्जाम में। फ्रेंड्स ये तो जीके की बात हुई है, अभी तो मैंने मैथ स्टार्ट नहीं किया, अगर फ्रेंड्स मैथ और रीजनिंग अगर मैं स्टार्ट कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगा ना फ्रेंड्स मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि SSC CGL यार मतलब कि कोई भी कैट लेवल दो एग्जाम होगा ना फ्रेंड्स उससे मेरी वीडियो से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है, सारे लेवल के क्वेश्चन करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके फैमिली में आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो किसी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहा है फ्रेंड्स उसके साथ फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी पता लगे फ्रेंड्स कि एग्जाम का लेवल क्या था, एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स ये देखो ये मेरी वीडियो का थंबनेल था यार, थंबनेल था मेरी वीडियो का ये, इस थंबनेल से 3 क्वेश्चन आ गए हुए हैं यार, ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और मैं जो फर्स्ट शिफ्ट है और सेकंड शिफ्ट की मिक्स वीडियो बनाने वाला हूँ वो वीडियोस भी आप जरूर देख लेना, और फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए अपने फैमिली अपने फ्रेंड सर्कल में। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।